Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with the video in the continuation of the series of the preparation of PGT computer science exam. And in the last video we have covered the flow of control topic, and the today's video's topic is strings. We are going to start with the chapter strings, and the today's topics for the video are string, accessing the string, traversing the string, and the operations of the strings. This is the part 9 video of this continuation of the series. And if you want to check out the previous videos, you can check in the link in the description box to check all the list of the videos. Okay, so let us start with the video. Okay, so here we are having is the chapter string. So in the last chapter we have understood that string is what? It is a sequence of characters, and characters can be anything. It can be alphabets, it can be numbers, it can be spaces, anything which is enclosed in either the single quotes or the double quotes, that is known as string. So string kya hai? Collection of characters, jisme ki characters aapke digits, aapke alphabets, aapke spaces, aapke special symbols kuch bhi ho sakte hain. Agar wo single ya double closed ke andar enclosed hain, that is known as a string. So you can see here, it is the orderly collection of the items, and each item is indexed by an integer. जब भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसमें हर एक कैरेक्टर की अपनी एक पोजीशन होती है. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखी पाइथन. इफ आई से पाइथन, तो इसके अंदर इन सब की अपनी एक इंडेक्सिंग है, दैट इज पोजीशन है. और पोजीशन हमारी दो तरीके से हो सकती है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. जो बैकवर्ड होती है वो नेगेटिव होती है, और जो फॉरवर्ड होती है दैट इज पॉजिटिव. एंड पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमारी जीरो से स्टार्ट होती है, एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? माइनस वन से. तो हम यहाँ पे पाइथन के अंदर तीन सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल. स्ट्रिंग आज हम पढ़ रहे हैं. स्ट्रिंग को कवर अप करने के बाद वी स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ लिस्ट एंड द टपल. एंड डिक्शनरीज जो है वो आपका मैपिंग डेटा टाइप है, जिसमें आप कीज को वैल्यू के साथ मैप करते हैं. ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या है? इट इज अ सीक्वेंस विच इज मेड अप ऑफ वन और मोर यूनिकोड कैरेक्टर्स. अब यूनिकोड कैरेक्टर्स में अभी हमने जैसे डिस्कस किया, कैरेक्टर्स में कुछ भी आ सकता है. सेम इज द केस विद द यूनिकोड कैरेक्टर्स, डिजिट्स, अल्फाबेट्स, स्पेशल सिंबल्स, स्पेसेस, एनीथिंग. ठीक है, अ स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड बाय एनक्लोजिंग वन और मोर कैरेक्टर्स इन अ सिंगल, डबल और द ट्रिपल कोट. अभी हमने डिस्कस किया कि हमारी स्ट्रिंग सिंगल या डबल कोट में आती है, बट वो ट्रिपल कोट में भी आ सकती है. वैसे तो आप उसे सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, बट अगर आप ट्रिपल कोट्स लगाते हैं और उसे नेक्स्ट लाइन तक लेके जाते हैं, दैट बिकम्स अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग वन इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, दिस इज इन द सिंगल कोट्स, दैट इज अ स्ट्रिंग. डबल कोट्स में लिखा, दैट इज ऑल्सो फाइन. और ट्रिपल कोट्स में अगर आप डबल या सिंगल लगा के लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन. अगर हम यहाँ से जाते हैं पाइथन आईडीएलई पे, एंड वी से स्ट्रिंग वन इज इक्वल टू हेलो, एंड देन वी से वर्ल्ड, तो दिस इज माई सिंगल लाइन स्ट्रिंग, नो एरर इज कमिंग. देन आई से स्ट्रिंग वन इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, दिस इज ऑल्सो फाइन. ये हमारे सिंगल कोट्स हैं, फर्स्ट वाली लाइन में हमारे डबल कोट्स थे. देन अगर मैं यहाँ से लिखूँ स्ट्रिंग वन इक्वल्स टू वन टू थ्री, जो डबल कोट्स हैं वो हमने थ्री टाइम्स लगाए, और यहाँ पे हमने लिखा हेलो एंड देन हमने लिखा वर्ल्ड, वन टू थ्री. सो दिस इज ऑल्सो माई सिंगल लाइन स्ट्रिंग. और अगर हम इसको ऐसे लिखें स्ट्रिंग वन इक्वल्स टू सिंगल लाइन में थ्री टाइम्स वी पुट द सिंगल कोट्स, वन टू एंड थ्री, देन वी स्पेसिफाई हेयर हेलो वर्ल्ड वन टू थ्री, तो दिस इज ऑल्सो माई सिंगल लाइन स्ट्रिंग. लेकिन जब भी हमें एक लाइन से ज्यादा में अपनी स्ट्रिंग को कवर अप करना होता है, तो उस केस में हम ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं. आई से स्ट्रिंग वन इक्वल्स टू, सपोज आई से हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे लिखा. अब यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन में जाएंगे इंटरक्टिव मोड में, इट विल शो यू एरर. लेकिन आप स्क्रिप्ट मोड में अगर ये काम करते हैं तो वहां पे एरर नहीं आएगा, अगर आपने नेक्स्ट लाइन में ट्रिपल कोट्स लगाए तो. ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं वी आर लर्निंग पाइथन, ठीक है, वन टू थ्री, ठीक है, नाउ आई प्रेस द एंटर की. तो अगर हम यहाँ से अब स्ट्रिंग वन को चेक करें, दिस इज माई स्ट्रिंग वन, यानी कि ये जो हेलो वर्ल्ड है दिस इज माई फर्स्ट लाइन, और ये जो लाइन है वी आर लर्निंग पाइथन दिस इज माई सेकेंड लाइन. कई बार ऐसा होता है कि सेकेंड लाइन पे लाते ही इसमें एरर शो करता है, बिकॉज स्ट्रिंग को टर्मिनेट होना पड़ता है. ठीक है, और स्ट्रिंग जब तक टर्मिनेट नहीं होती, अगर वो सिंगल या डबल कोट से स्टार्टेड है, इट विल शो एरर. फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा स्ट्रिंग वन इक्वल्स टू आई से हेलो
एंड देन आई ब्रिंग माई कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. एरर शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ हमने ट्रिपल कोट्स लगा दिए थे, दैट इज वाई इट इज शोइंग नो एरर. ठीक है, आपने ये जो ट्रिपल कोट्स लगाए, ये हमने डबल कोट्स में फॉर्म में लगाए हैं, लेकिन आप इसे सिंगल में भी लगा सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ द ट्रिपल कोट्स. सिंगल या डबल के साथ आप लिखने का ट्राई करेंगे, इट विल शो एरर, बट अगर आप उसके साथ लिखेंगे ट्रिपल कोट के साथ, नो एरर विल कम. एंड वन थिंग मोर, अगर आप ये चाहते हैं कि सिंगल और डबल कोट्स के साथ जब आप नेक्स्ट लाइन में कर्सर को लाएं तो एरर शो ना करें, तो उस केस में यू सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज पुट अ बैक स्लैश, देन कम टू द नेक्स्ट लाइन एंड देन राइट डाउन द दिस वन लाइक दिस एंड देन यू प्रिंट दिस वन, नो एरर इट विल शो. ठीक है, अंडरस्टूड माई पॉइंट? बट हियर द बैक स्लैश विल नॉट रिप्रेजेंट स्लैश, एंड ये सिंपली आपको इसको ज्वाइन करके दिखाएगा, लेकिन जब आप यहाँ ट्रिपल कोट से करेंगे, सो हेयर इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज स्लैश एंड विच शोज द न्यू लाइन. ठीक है, सो दिस इज हाउ स्ट्रिंग वर्क्स. नाउ दीज ऑल आर द स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैविंग द सेम वैल्यू हेलो वर्ल्ड. एक में सिंगल कोट्स हैं, एक में आपके डबल हैं, एक में डबल वाले ट्रिपल हैं, और एक में सिंगल वाले आपके ट्रिपल हैं. अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने डबल कोट्स का यूज किया टू टाइप द स्ट्रिंग इन द टू लाइन्स, देन यहाँ इन्होंने सिंगल कोट्स का यूज किया टू टाइप द स्ट्रिंग इन द टू लाइन्स. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन जस्ट क्रिएट अ स्ट्रिंग. और एक चीज इसमें और होती है कि ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ हम अल्फाबेट्स ही लिख सकते हैं. जैसे कि अगर हम यहाँ से टाइप चेक करें अपने str1 का, सो देन इट विल शो यू, सॉरी, यहाँ से हम इसका टाइप चेक करें str1, देन इट विल शो यू द डेटा टाइप एज क्लास स्ट्रिंग. मान लीजिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग 2 में कुछ नंबर्स ली. अब अगर मैं यहाँ से 1, 2, 3 लूँ एंड देन आई चेक द डेटा टाइप ऑफ str2, इट विल शो मी दैट, व्हाट इट विल शो मी, इट विल शो मी इट इज द इंटीजर वैल्यू. लेकिन अगर हम यही चीज सिंगल डबल या ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं लाइक दिस, हमने यहाँ से 1, 2, 3 लिया और हमने इसको पुट किया इन द कोट्स लाइक दिस लाइक दिस, देन वॉट विल हैपन? अगर आप यहाँ से अब इसका टाइप चेक करेंगे, दैट इज str2, देन वॉट इट विल शो अस, इट विल बिकम अ स्ट्रिंग. ठीक है, तो जो भी चीज दैट इज योर यूनिकोड कैरेक्टर, एनी यूनिकोड कैरेक्टर, चाहे आपका स्पेस हो, चाहे आपका सिंबल हो, चाहे आपके अल्फाबेट्स हो, चाहे आपके नंबर्स, अगर वो कोट्स में है, देन देयर डेटा टाइप विल बी स्ट्रिंग. ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सेसिंग द कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग. अगर आपको स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस करना है, सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ इट्स इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं पोजिशन. एंड आपकी पोजिशन स्ट्रिंग के अंदर दो तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव होती है आपकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और नेगेटिव होती है आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग. जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है इट स्टार्ट फ्रॉम -1. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेयर वी हैव अ स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड. अब इसमें 0 पोजिशन से अगर आप चेक करेंगे एंड वी से str1 ऑफ 0, इट विल शो द कैरेक्टर एट द 0th पोजिशन दैट इज h. फिर हमने 6 पे चेक किया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्पेस को भी आपने एक पोजिशन देनी है. 5 पे आपका स्पेस है और 6 पे आपका क्या है, w. ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये एक्सक्लेमेशन साइन जो है, दिस इज द लास्ट कैरेक्टर एंड दिस इज द कैरेक्टर एट द पोजिशन 11. सो इस तरह से आपको रिटर्न करके दिखा देगा. लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई भी ऐसी पोजिशन देते हैं जो आपकी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करती, देन वॉट विल हैपन, वॉट इट विल शो, इट विल शो यू इंडेक्स एरर इन दैट केस, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज. अंडरस्टूड? एक बार इसे हम देख लेते हैं. सपोज हियर माई स्ट्रिंग इज हेलो वर्ल्ड. वॉट आई से? आई से str1 ऑफ 0. सो 0 पोजिशन पे आई हैव विच कैरेक्टर, h. ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ s लिख दिया हमने, इसके बाद मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4 4 पे हमारे पास क्या है, o है. तो हमने कहा str1 ऑफ 4. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, o आ गया. एंड वॉट इज द लास्ट पोजिशन? 0, 1, 2, 3, 4, 5 स्पेस 6, 7, 8, 9, 10 हमारे इसमें लास्ट पोजीशन क्या है, 10 है. लेकिन अगर हम 10 के अलावा कोई पोजीशन दे दें, सपोज आई गिव द पोजीशन एज 60, तो 60 तो इंडेक्स इसमें है ही नहीं. व्हाट विल हैपन? इट विल शो अस इंडेक्स एरर.
ठीक है, बिकॉज दैट इंडेक्स इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, अब ये तो बात हुई पॉजिटिव इंडेक्सिंग की, बात करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की. नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है माइनस वन से, यानी कि जो हमारे स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर है उसकी पोजिशन होगी माइनस वन. देन जैसे ही हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते जाएंगे पोजिशंस आपकी एक एक कम होती जाती हैं, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, इस तरह से. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है. तो इफ आई राइट हियर एस टी आर वन ऑफ माइनस वन, देन इट विल गिव मी द आंसर एज एस. ठीक है, सेम वे माइनस टू पोजिशन पे आपके पास क्या है, एल है. एस टी आर वन ऑफ माइनस टू इज एल. ठीक है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव एंड माइनस सिक्स. एस टी आर वन ऑफ माइनस सिक्स इज, यू कैन सी हियर स्पेस इज कमिंग. सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सेस द कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग. हम पॉजिटिव वे में भी उसे एक्सेस कर सकते हैं और नेगेटिव वे में भी एक्सेस कर सकते हैं. अब अगर हम नेगेटिव की पोजिशन देखें तो कहाँ तक जाएंगी, माइनस वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, माइनस इलेवन तक जा रही है. बट अगर इफ आई गिव हियर एनी पोजिशन लाइक माइनस ट्वेंटी, तो माइनस ट्वेंटी पोजिशन पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है बिकॉज वो इंडेक्स हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता. वॉट विल हैपन, अगेन इट विल शो इंडेक्स एरर. सो दिस इज हाउ वी हैव टू एक्सेस द स्ट्रिंग्स. ठीक है, नाउ द इंडेक्स कैन ऑल्सो बी एन एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग द वेरिएबल्स एंड द ऑपरेटर्स, बट द एक्सप्रेशन मस्ट इवेल्युएट टू एन इंटीजर. जो आप इसमें पोजिशन देते हैं वो आपकी कोई भी एक्सप्रेशन वैल्यू भी हो सकती है. जैसे कि हमने कह दिया 2 प्लस 4, सो 2 प्लस 4 इज 6, तो 6 पोजिशन वाले एलिमेंट को दिखा देगा. जैसे कि हम यहाँ पे कह दें एस टी आर 1, 1 प्लस 3, तो 1 पोजिशन पे क्या है, ई e, नहीं पहले 1 प्लस 3 करेंगे, दैट इज 1 प्लस 3 इज 4, तो 0, 1, 2, 3, 4, 4 पोजिशन पे हमारे पास क्या है, ओ है. सो इट विल गिव अस द आंसर एज ओ. लेकिन आप जो इसके अंदर पोजिशन डाल रहे हैं दैट शुड बी ओनली इंटीजर वैल्यू. जैसे कि हमने यहाँ पे 1.5 डाला तो वहाँ पे एरर आ जाएगा, बिकॉज हमारी जो स्ट्रिंग की पोजिशंस होती हैं या इंडेक्स होती हैं दैट कैन ओनली बी अ होल नंबर, नॉट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. सपोज आई राइट हियर एस टी आर 1, 2.5, सो वट विल हैपन, इट विल शो टाइप एरर. स्ट्रिंग इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर, यानी कि स्ट्रिंग के इंडेक्स आपके कैसे होने चाहिए, ओनली इंटीजर्स. ठीक है, देन पाइथन अलाउज एन इंडेक्स वैल्यू टू बी नेगेटिव ऑल्सो. अभी हमने ये पढ़ा कि इंडेक्स जो है वो हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है इन केस ऑफ द फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, और वो नेगेटिव भी हो सकती है इन केस ऑफ द बैकवर्ड इंडेक्सिंग. ठीक है, तो जब भी हम राइट से लेफ्ट एक्सेस करना चाहते हैं वी कैन यूज अ नेगेटिव इंडेसेस, और जब भी हम लेफ्ट से राइट एक्सेस करना चाहते हैं वी कैन यूज अ पॉजिटिव इंडेसेस. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिखाया माइनस वन पे वी आर हैविंग एक्सक्लेमेशन साइन एंड माइनस ट्वेल्व पे वी आर हैविंग एच. नाउ हेयर इट इज शोइंग यू द फुल टेबल जिसमें आपको सारे कैरेक्टर्स की पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग शो की गई. आप यहाँ से देख सकते हो हेलो वर्ल्ड जो ये लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड विद द एक्सक्लेमेशन साइन एंड विद द स्पेस. ये जो है ये आपकी पॉजिटिव इंडेक्सेस हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टिल 11. ठीक है, और ये आपकी नेगेटिव है माइनस 1 से माइनस 12 तक. हेलो वर्ल्ड में एक्सक्लेमेशन साइन और स्पेस के साथ टोटल आपके 12 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जब आप इंडेक्सिंग को जीरो से स्टार्ट करेंगे तो वो एक कम तक चलेगी, दैट इज 11 तक. और जब आप नेगेटिव लेते हैं तो क्योंकि आप माइनस वन से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आपकी चलेगी जो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है, इन दिस केस माइनस 12 तक. ठीक है, नाउ अगर आपको किसी भी लिस्ट में चेक करना हो कि कितने कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग द यू कैन से द स्पेशल सिंबल्स और द स्पेसेस और एनी नंबर सबको मिला के, तो उसके लिए वी आर हैविंग वन फंक्शन विच इज द लेन फंक्शन. ठीक है, तो उसकी हेल्प से आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को चेकआउट कर सकते हैं. और जब भी हम टोटल लेंथ फाइंड करते हैं तो हम वन से काउंट करना स्टार्ट करते हैं. समटाइम्स जब हम क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि लेंथ फाइंड आउट करिए तो हम क्या करते हैं, समटाइम्स वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द जीरो. बट जब भी पोजिशन पूछी जाए तो जीरो से चेक करनी है, और जब भी आपसे लेंथ पूछी जाए तो आपने उसको वन से काउंट करना है. कीप दिस थिंग्स इन द माइंड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगेन हम अपनी सेम स्ट्रिंग पर चलते हैं. What is our string one? That is our hello words. हमने ये लिखा हुआ है. मान लीजिए हमें इसकी लेंथ को चेक करना है. सो विच फंक्शन में विल यूज लेंथ, और ब्रैकेट में हम अपनी स्ट्रिंग का नाम डालेंगे एस टी आर वन. सो इट विल गिव अस 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे स्पेस, 9, 10,
sorry 7 8 9 10 and 11. So that is the length and it gives us the answer as 11. Theek hai, samajh mein aaya? Now the next concept related to string is that string is immutable. Immutability or immutability एक concept होता है Python में. Mutable का मतलब है आप उस position पे उस element को change कर सकते हैं. And immutable का मतलब है आप उस position पे उस element को change नहीं कर सकते. ठीक है. और string के case में it is an immutable data type. यानी कि एक बार आपने जो string बना दी तो किसी भी position के किसी भी character को आप change नहीं कर सकते. If you try to do this, it will show you some error. For example, here we have string 1 as hello world. अगर हम इस e के place पे a करना चाहें, e की हमारी position क्या है? The position is 1. If I say string of 1 equals to a, so as soon as I do this, हमारे पास आ गया type error. Because string object does not support item assignment. हम इसको change नहीं कर सकते हैं, because string is immutable. Now you can see here, यहाँ पे मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पे space है, 6 पे W है. तो मैंने कहा str 1 of 6 is equal to P. I want to change it to P, but as soon as I do this, it will show me error. That string object does not support item assignment. और इसमें कौन सा error आ रहा है? Type error. ठीक है? जब भी आपके पास इंडेक्स अवेलेबल जो इंडेक्स आपने दी है अगर वो क्वेश्चन में नहीं है स्टेटमेंट में नहीं है इंडेक्स एरर आएगा. और अगर आप स्ट्रिंग में कोई ऐसी किसी भी पोजीशन पे वैल्यू को चेंज करने का ट्राई कर रहे हैं तो उस केस में कौन सा एरर आएगा? आपका टाइप एरर. ठीक है. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका स्ट्रिंग ऑपरेशंस. ठीक है. तो स्ट्रिंग ऑपरेशंस का मतलब हम स्ट्रिंग में क्या क्या काम कर सकते हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग इज कॉनकेटिनेशन. कॉनकेटिनेशन का मतलब होता है ज्वाइन करना. किसको ज्वाइन करेंगे? दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करेंगे यूजिंग दिस ऑपरेटर जिसका साइन होता है प्लस के जैसा. अब इसमें आप दो स्ट्रिंग्स को ही आपस में ज्वाइन कर सकते हैं. आप अलग अलग डेटा टाइप को ज्वाइन नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल इफ आई से आइस प्लस क्रीम. ठीक है. सो इट विल गिव मी आइसक्रीम. लेकिन अगर मैं यहाँ से आइस प्लस टू कर दूं तो क्या होगा? इट विल शो मी टाइप एरर. यानी कि हम सिर्फ सेम डेटा टाइप में सेम डेटा टाइप को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं. आगे जब हम लिस्ट पढ़ेंगे और टपल पढ़ेंगे तो उसमें भी यही चीज़ रहेगी. ठीक है. तो हमने यहाँ पे क्या किया? आइस प्लस क्रीम दोनों स्ट्रिंग डेटा टाइप है इसलिए वो ज्वाइन हो गए. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2.5 प्लस आइस. वन इज द फ्लोट डेटा टाइप एंड वन इज द स्ट्रिंग डेटा टाइप. दैट विल ऑल्सो शो द एरर. एंड वॉट टाइप ऑफ एरर? टाइप एरर. ठीक है. फ्लोट और स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते, सिर्फ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को कर सकते हैं. इफ आई से हेलो प्लस ए, इन दैट केस ये कॉन्केटिनेशन कर देगा. ठीक है. और जब ज्वाइन होता है तो बीच में कोई गैप नहीं रहता है, इकट्ठा ज्वाइन हो जाता है. अंडरस्टूड? ओके. द नेक्स्ट वन इज रिपीटेशन. रिपीटेशन में आप क्या करते हैं? किसी भी स्ट्रिंग को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बार ले सकते हैं. अब उस केस में आपका जो एक ऑपरेंड है दैट शुड बी अ स्ट्रिंग एंड द सेकेंड ऑपरेंड शुड बी एन इंटीजर वैल्यू. सिर्फ इंटीजर ले सकते हैं, यू कांट टेक द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल इफ माई एस टी आर वन स्ट्रिंग इज हेलो वर्ल्ड एंड आई से सपोज एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं एस टी आर इज इक्वल टू वी से पाइथन. ठीक है. ये ले ली हमने यहाँ पे. Now we say str into 2. So what will happen? 2 times python will come. और अगर मैं कहूँ str into 4, 4 times python will come. ठीक है. लेकिन अगर हम कहें str into 3.5, it will not be able to solve this because this is a type error. तो concatenation में ध्यान रखना है कि एक operand आपका string ही रहेगा और second आपका सिर्फ integer रह सकता है और कोई नहीं आ सकता. ठीक है. सो दिस इज द रिपीटेशन ऑपरेटर और यू कैन से द रेप्लिकेशन ऑपरेटर. तो कौन सा है आपका रेप्लिकेशन ऑपरेटर? दिस वन, दिस वन. एंड कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर कौन सा था आपका? दिस प्लस साइन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट. अब देखिए जब आप स्ट्रिंग 1 इंटू 4 करें या स्ट्रिंग 1 इंटू 2 करें तो उसमें जो आपकी जो भी आपकी स्ट्रिंग थी ओरिजिनल स्ट्रिंग वो आपकी एज इट इज रहती है.
बस रेप्लीकेशन करने पे उसको रेप्लीकेट करके दिखा देता है, लेकिन ओरिजिनल स्ट्रिंग आपकी सेम रहती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्लाइसिंग। ओके, ट्रेवर्सिंग को देख लेते हैं पहले, फिर स्लाइसिंग पे आएंगे। देखिए, ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को एक्सेस कर पाना। एंड वी कैन डू दिस यूजिंग टू टाइप्स ऑफ लूप, वन इज द फॉर लूप एंड सेकेंड इज द व्हाइल लूप। ये हम फ्लो ऑफ कंट्रोल चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, फॉर लूप से कैसे करेंगे। सपोज दिस इज माई स्ट्रिंग वन, हेलो वर्ल्ड। इट इज स्टोर्ड इन विच पर्टिकुलर वेरिएबल, स्ट्रिंग वन। सो फॉर सी एच इन एस टी आर वन। एस टी आर वन क्या है? दिस इज द नेम ऑफ माई स्ट्रिंग। और ये जो सी एच है, इसके प्लेस पे आप कोई भी कंट्रोल वेरिएबल ले सकते हैं, प्रिंट सी एच। ना फॉर सी एच इन एस टी आर मतलब सी एच की वैल्यू पहले के लिए एच है, फिर ई एल एल ओ, ऐसे करके ये सारे कैरेक्टर्स को लेता जाएगा। हमने यहाँ पे दिया हुआ है एंड इक्वल्स टू एम डी स्ट्रिंग, इसका मतलब आपके कैरेक्टर सारे सेम लाइन में आएंगे। अगर आप ये चीज़ नहीं देते हैं तो आपके सारे कैरेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट लाइन में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकली, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा एस टी आर है हमारे पास, हमने कहा फॉर आई इन एस टी आर प्रिंट आई। तो जैसे ही विल ट्राई टू डू दिस, ये आपको सारे कैरेक्टर्स अलग अलग लाइन में दिखा रहे हैं पाइथन के, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं फॉर आई इन एस टी आर, देन वी से प्रिंट प्रिंट आई, और यहां से हम कह दें एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, व्हाट विल हैपन? इट विल शो अस द आउटपुट इन द सेम लाइन, ठीक है। यहाँ पे हमने एम्प्टी स्ट्रिंग ली है, एक कैरेक्टर का स्पेस दोगे तो आपका डेटा एक एक कैरेक्टर के स्पेस के बाद आएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव डन दिस यूजिंग द फॉर लूप। और अगर हमें इसी को व्हाइल लूप से करना हो, तो फॉर लूप में तो जो इनिशियल जो हमारी वैल्यू होती है कंट्रोल वेरिएबल की, या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, वो एक ही लाइन में होता है, लेकिन व्हाइल लूप में हमें करना पड़ता है। हमने कह दिया आई इज इक्वल टू वन व्हाइल आई लेस देन while i less than length of, what is the length of str? length of str, str string में क्या है? python है, और python की कितनी length है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसकी position कहाँ से start होगी? 0 1 2 3 4 5, while i is less than length of str। okay, यहाँ पे i actually क्या denote कर रहा है? i denote कर रहा है character, ठीक है। और यहाँ पे हमने कहा जैसे कि इंडेक्स इज लेस देन लेंथ ऑफ एस टी आर वन, प्रिंट स्ट्रिंग आई स्ट्रिंग वन ऑफ इंडेक्स। तो यहाँ पे आप क्या प्रिंट करेंगे? प्रिंट एस टी आर ऑफ आई प्रिंट करेंगे, ठीक है। चाहें तो यहाँ पे एंड इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम एक कैरेक्टर का स्पेस दे देते हैं, तो देखेंगे आउटपुट में कैसे चेंजेस आएंगे। और प्रिंट कराने के बाद हमें वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी कराना पड़ेगा, तो सिंपली से आई प्लस इज इक्वल टू वन। तो एज सून एज यू डू दिस, यू विल सिंपली गेट इट एज, ओके, हमें यहाँ आई को जीरो देना था, हमने वन से दे दिया, तो इसलिए ये वाई टी एच वन दिखा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी जो पोजिशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? जीरो से स्टार्ट होगी ना, तो आपको यहाँ पे आई की वैल्यू जीरो देनी पड़ेगी। इसको हम दोबारा से करते हैं, यहाँ से हमने लिया आई इज इक्वल टू जीरो, एंड वाइल आई लेस देन length of string str, तो what will happen? हम क्या print करेंगे? str of i and end is equal to empty string like this and i plus is equal to 1। तो जैसे ही आपने ये किया, अब 0 is less than length of string, string की length क्या है? 1 2 3 4 5 6, 0 less than 6 है, तो string of 0 क्या है? p, वो print हुआ। फिर i की वैल्यू 1 इंक्रीज हो गई, यानी कि 1 होगी, तो 1 लेस देन 6, फिर 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है y, वो प्रिंट होगा। इस तरह से वो n तक प्रिंट करेगा। यू कैन सी हियर पाइथन हैज कम, सो दैट इज वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रिंग यूजिंग द फॉर लूप एंड द व्हाइल लूप, ठीक है। ट्रेवर्सिंग मीन्स एक्सेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने स्ट्रिंग स्लाइसिंग के ऊपर। अब देखिए, स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? अच्छा, इससे पहले हमारे पास है मेंबरशिप ऑपरेटर। अब मेंबरशिप ऑपरेटर्स हमारे पास दो होते हैं, वन इज इन एंड सेकेंड इज नॉट इन। इन ऑपरेटर चेक करता है
कि आपके जो स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग है उसमें वो पर्टिकुलर जो आपको स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है वो है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग वन इज हेलो वर्ल्ड. हमने कहा क्या कैपिटल W हमारे स्ट्रिंग वन में है? येस इट इज देयर, सो द आंसर विल बी ट्रू. क्या WOR है? येस इट इज देयर, आंसर विल बी ट्रू. क्या माई है? अब माई हमें यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा, सो द आंसर विल बी फॉल्स. ठीक है, तो इन और नॉट इन ऑपरेटर आपको आंसर किस फॉर्म में देंगे? बुलीन ऑपरेटर की फॉर्म में, विच आर ट्रू और फॉल्स. अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, हमने कहा माई नॉट इन स्ट्रिंग वन, माई स्ट्रिंग वन में नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ट्रू. हेलो नॉट इन स्ट्रिंग वन, हेलो नहीं है बट ये तो है, सो द आंसर विल बी फॉल्स. तो हमारे पास दो मेंबरशिप ऑपरेटर हैं स्टूडेंट्स, इन एंड नॉट इन. तो यहाँ से देखिए हम चेकआउट करते हैं. सपोज दिस इज एस टी आर, दिस इज माई स्ट्रिंग पाइथन. हमने कहा पी एन एस टी आर, हमारी स्ट्रिंग में क्या है? पाइथन है. क्या उसमें कैपिटल पी है? यस इट इज देयर. बट अगर मैं कह दूं एल इन एस टी आर तो वो तो नहीं है, सो इट विल गिव अस द आंसर एज फॉल्स. आई से टी एच आई इन एस टी आर, टी एच आई तो नहीं है, आंसर विल बी फॉल्स. लेकिन अगर हम कहें टी एच ओ तो ये तो है, सो माई आंसर विल बी ट्रू. टी एच ओ एन एस टी आर, सो माई आंसर विल बी ट्रू. अंडरस्टूड. और इसी को हम नॉट इन से भी कर सकते हैं, तो ये आपको रिवर्स आउटपुट देगा. जैसे कि हमने कहा टी एच ओ नॉट इन एस टी आर, सो माई आंसर विल बी फॉल्स. बट आई से टी एच आई इन एस टी आर, सो द आंसर विल बी नॉट इन एस टी आर करेंगे हम यहाँ पे. टी एच आई नॉट इन एस टी आर, लेकिन टी एच आई इसमें नहीं है और हमने नॉट इन लगा रखा है, तो आंसर विल बी ट्रू. राइट, सो दिस इज हाउ वी हैव टू मेक यूज ऑफ द मेंबरशिप ऑपरेटर्स. नेक्स्ट पे आते हैं स्लाइसिंग पे. स्लाइसिंग का मतलब होता है कि हम अपने मेन स्ट्रिंग में से किसी सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं. ठीक है, और जिस मेथड से हम इसे करते हैं उसे हम कहते हैं स्लाइसिंग. इसके लिए हम एक रेंज को स्पेसिफाई करते हैं. इसके अंदर आपके पास मिनिमम एक भी नंबर नहीं होता और मैक्सिमम तीन नंबर हो सकते हैं. तो सबसे पहला जो नंबर है वो स्टार्ट होता है, दूसरा जो नंबर है वो एंड होता है. कई बार हम सिर्फ ये दो नंबर लेके चलते हैं, और अगर ये दोनों हम लेते हैं साथ में अगर थर्ड भी लेना चाहते हैं तो वो हमारा गैप होता है, जिसे हम स्टेप भी कहते हैं. ठीक है, और इसमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं दैट आर बेसिकली द इंडेक्सेस. क्या है वो? इंडेक्सेस हैं. तो जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग है पाइथन. अगर मैं यहाँ पे कोई भी पोजिशन ना दूँ, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वॉट इज माई स्टार्टिंग पोजिशन, दैट इज जीरो. और एंडिंग पोजिशन भी नहीं दी हुई, इट मीन्स वो आपके स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर तक के एलिमेंट को लेगा, तो ये आपको पूरी स्ट्रिंग एज इट इज दे देगा, दैट इज पाइथन. लेकिन इफ आई से स्ट्रिंग 1 2 5, तो व्हाट विल हैपन? वन पोजीशन पे आपके पास क्या है? वी हैव वाई. ठीक है, यहाँ से देखो ये इसकी पोजीशन है 0 1 2 3 4 एंड 5. तो वन पोजीशन पे क्या है? वाई है. और जो एंडिंग पोजीशन होती है उससे एक कम लेके चलना है, तो 5 से एक कम हमारी क्या है? 4 है. तो ये 1 से 4 तक एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा पोजीशन तक, हमारा आंसर क्या होगा? वाई टी एच ओ. सो हेयर इट विल गिव अस द आंसर एज वाई टी एच ओ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. और अगर इसी स्ट्रिंग में मैं गैप भी दे दूं, दैट इज 2, सो व्हाट विल हैपन? वन पोजीशन पे क्या है? वाई है. 2 का गैप दिया, 1 + 2 = 3 पोजीशन हो गई. यहाँ से देखो 0 1 2 3 4 एंड 5. तो यहाँ से हमने क्या किया? वन पोजीशन पे वी आर हैविंग वाई. अब 1 में 2 को प्लस कर दो विच इज द गैप, सो 1 + 2 हो गया 3. 3 पोजीशन पे आपके पास क्या है? एच है. और 3 + 2 आपके पास 5 है, लेकिन 5 हमारी एंडिंग पोजीशन है और एंडिंग पोजीशन से हमें पहले तक लेके चलना होता है. अगर गैप नहीं दिया हुआ तो 1 पहले लेके चलेंगे, गैप दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग उतने एलिमेंट्स पहले लेके चलेंगे. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बनेगा? वाई एंड देन एच. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू द स्लाइसिंग. हमारी मेन स्ट्रिंग थी पाइथन, एक बार इसमें से हमने इतना पार्ट एक्सट्रैक्ट किया
और एक बार इसमें से हमने y और h को एक्सट्रैक्ट किया. तो ये हमारे स्टूडेंट्स क्या हैं, दीज आर माई सब स्ट्रिंग्स. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. एंड जब भी हम यहाँ पे इस तरह से स्टार्टिंग और एंडिंग पोजिशन देते हैं और गैप नहीं स्पेसिफाई करते, तो बाय डिफॉल्ट हमारा गैप कितने का होता है, 1 का होता है. यानी कि अगर आप 7 पोजिशन ले रहे हैं तो नेक्स्ट पोजिशन आपकी 8 होगी. ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपने स्ट्रिंग की पोजिशन वहाँ तक दे दी जो आपके स्ट्रिंग के इंडेक्स से बहुत ज़्यादा बड़ी है. सो उस केस में क्या होगा, इट विल टेक टिल द लास्ट कैरेक्टर. सपोज मैंने कहा str 1 2, सपोज 20 दे दिया, लेकिन आई नो कि 20 इंडेक्स मेरी स्ट्रिंग में है ही नहीं. 0 1 2 3 4 5, मेरे पास तो 5 तक ही इंडेक्स है, लेकिन मैंने 1 से 20 दे दिया. तो ये 1 से आपके लास्ट पोजीशन तक आपको स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा. ठीक है, अब ये होती है स्ट्रिंग स्लाइसिंग. अभी आपने इसमें देखा कि हमारा गैप 1 का था, लेकिन हमारा जो गैप होता है वो नेगेटिव में भी हो सकता है. और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि स्टार्टिंग और एंडिंग में से एक चीज़ हमें दे रखी हो. पहले हम इसे डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने दे दिया str और यहाँ से हमने दे दिया 3. तो व्हाट विल हैपन, स्टार्टिंग पोजीशन 3 है, उससे एंड पोजीशन तक जाएगा 0 1 2 3 से लेके एंड पोजीशन तक, दैट इज HON. और अगर हमने दे दिया str:5, इट मीन्स स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दी हुई, तो क्या लेंगे, स्टार्टिंग पोजीशन 0 लेंगे और एंडिंग पोजीशन 5 है तो उससे एक कम लेंगे विच इज 4. तो 0 1 2 3 4, PYTHO. तो यहाँ से हमारे पास आंसर आया PYTHO. ठीक है, अब बात करते हैं अगर हमारा गैप नेगेटिव हो तो उस केस में हम क्या करेंगे. इसने लिखा नेगेटिव इंडेक्सेस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर स्लाइसिंग. तो जैसे कि यहाँ पे है -6 से -1. ठीक है, तो यहाँ से हम जाते हैं, इफ़ वी सी द नेगेटिव पोजिशन ऑफ पाइथन, तो हमारे पास क्या क्या है, वी आर हैविंग -1, देन -2 -3 -4 -5 एंड -6. ठीक है, तो हम यहाँ से कहाँ तक गए, सपोज हम -6 से जाते हैं और हम जाते हैं -2 तक. तो -6 पोजिशन इज माई पी, -5 -4 -3 -2. -2 पे ओ है, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि जो भी एंडिंग पोजिशन है उससे एक पहले तक लेना है, तो उससे एक पहले -3 बनेगी. तो -6 -5 -4 -3, आंसर क्या आएगा, PYTH. जब आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग पोजिशन दोनों नेगेटिव में हो तो आपका गैप भी किस में होगा, यहाँ पे आपका गैप किस तरह से हो रहा है, -6 +1 -5 +1 जा रहा है इसमें. ठीक है, इस तरह से आपका जा रहा है. ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे इस तरह से लेते हैं, सपोज आपने लिया यहाँ पे str -2 से -6 तक. ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, इट इज शो अस एम्प्टी स्ट्रिंग. व्हाई, ये पॉइंट हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना. अब देखिए -6 से जब हम -2 की तरफ जा रहे हैं तो -6 और -2 में से बड़ा कौन सा है, -2 इज ग्रेटर. ठीक है, तो जब भी हम स्ट्रिंग में स्लाइसिंग करते हैं तो हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, जिससे 1 से 5 जा रहे थे. ऐसे ही है जब हम -6 से -2 जा रहे हैं तो हम छोटे से बड़े पे जा रहे हैं. तो जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं तो हमारा गैप कितने का होता है, हमारा गैप होता है 1 का. ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ लिखा -2 से -6, यानी कि आई एम गोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, -2 बड़ा है और -6 छोटा है. ठीक है, जब आप बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, लेकिन गैप तो यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है, और बाय डिफॉल्ट गैप आपका कितना होता है, +1 का होता है. और अगर मैं -2 पोजिशन पे लूँ तो -2 पोजिशन पे आई हैव ओ, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा -2 +1, वो मेरा हो जाएगा -1. तो क्या हम एन पे पहुँचेंगे, ओ के बाद एन पे जाएंगे, अब -1 + 1 करेंगे दैट इज 0. तो क्या हम P पे जाएंगे, नो वी कांट गो इन अ स्ट्रिंग इन दिस ऑर्डर, यानी कि हम इस ऑर्डर में नहीं मूव कर सकते अगर हमारा गैप पॉजिटिव का है. अगर गैप स्पेसिफाइड नहीं है इट मीन्स इट इज ऑफ पॉजिटिव 1 ओनली. ठीक है, और अगर स्पेसिफाइड है तो उसके अकॉर्डिंग हम मूव करेंगे. लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाए जिसमें आप बड़े से छोटे की तरफ मूव कर रहे हैं बट द गैप इज ऑफ पॉजिटिव 1, तो हमेशा उस केस में आपका आंसर रहेगा एम्प्टी स्ट्रिंग. और अगर मैं इस स्ट्रिंग को इस तरह से ले लूँ, -2
minus 6 and minus 1. So what will happen? Then it will give me the proper answer. अब देखिए माइनस टू से माइनस सिक्स पर जाना है और गैप कितने का है? माइनस वन का. तो माइनस टू पे आई एम हैविंग ओ, ठीक है. माइनस टू पे मेरे पास क्या है? ओ है. माइनस टू में माइनस वन करेंगे तो क्या बना? माइनस थ्री. कहाँ तक जाना है? माइनस सिक्स इज माई एंडिंग वैल्यू, तो इसे एक पहले तक लेंगे यानी कि माइनस फाइव तक. माइनस थ्री माइनस वन इज माइनस फोर एंड माइनस फोर माइनस वन इज माइनस फाइव. तो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, दिस इज माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड माइनस फाइव. इस तरह से स्ट्रिंग मूव करेगी एंड इट विल गिव अस आंसर एज ओ एच टी वाई, ठीक है. तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा हम स्ट्रिंग में छोटे से बड़े की तरफ मूव करते हैं, और अगर हम बड़े से छोटे की तरफ मूव कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा गैप भी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव. अदरवाइज हमारे पास जो आउटपुट आएगा दैट विल बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू द स्लाइसिंग इन द स्ट्रिंग. एक चीज इसमें देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कॉलन कॉलन एंड माइनस वन, व्हाट विल हैपन? ये एक सिंपल सी चीज है जिससे हम अपने स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं. देखो स्टार्टिंग पोजिशन नहीं दी गई, एंडिंग पोजिशन भी नहीं दी गई, बट गैप आपको दिया माइनस वन का. तो जब गैप माइनस वन का है तो हम कहाँ से चलेंगे? नेगेटिव पोजिशन से ही मूव करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज माइनस वन, then minus 2, then minus 3, minus 4, minus 5 and minus 6. तो इस केस में हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी आर रिवर्स स्ट्रिंग, यानी कि जो हमने स्ट्रिंग दी है उसको रिवर्स कर देगा. सो दिस इज हाउ वी हैव टू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस. कभी भी आपको किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो आप डायरेक्टली ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी हैव डन द स्लाइसिंग इन द स्ट्रिंग्स. ओके स्टूडेंट्स, एंड ट्रेवर्सिंग हम कर चुके हैं. तो हमने आज के क्या क्या टॉपिक्स पढ़े एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा. सबसे पहले हमने पढ़ा कि स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक है. सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज इन द सिंगल और द डबल कोट्स और द ट्रिपल कोट्स. अगर सिंगल लाइन में लिखना है तो सिंगल और डबल में, मल्टी लाइन में लिखना है तो ट्रिपल में. आप स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए उनके इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं, विच कैन बी पॉजिटिव विच कैन बी नेगेटिव, ठीक है. उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर आपको स्ट्रिंग में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हो सो वी हैव अ फंक्शन विच इज नोन एज लेन फंक्शन. स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल होती है, आप उसमें एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते किसी भी पोजिशन पे. आप स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं यूजिंग द प्लस सिम्बल, दैट इज अ कॉन्कैटिनेशन सिम्बल. आप रेप्लिकेशन कर सकते हैं यूजिंग दिस सिम्बल. आप मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू चेक कर सकते हैं स्ट्रिंग में वो पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं है. मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे दो कौन कौन से हैं? इन एंड नॉट इन. और उसके बाद आप लिस्ट में स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, यानी कि पूरी स्ट्रिंग में से किसी भी पार्ट को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं यूजिंग द गैप एज अ नेगेटिव और द पॉजिटिव वन. और हमने इसके बाद पढ़ा कि हम स्ट्रिंग में ट्रेवर्सिंग करते हैं दो लूप्स की हेल्प से, विच इज द फोर लूप एंड द व्हाइल लूप, ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रिंग मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस. आई होप जो भी टॉपिक आज की वीडियो में हमने कवर अप किया दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. स्टिल इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज टेल इन द कमेंट सेक्शन एंड प्रोवाइड योर फीडबैक. आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद द अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. टिल देन हैव अ गुड डे, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. Like the video, share it, and subscribe the channel for more such updates. Thank you and bye bye.